हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दीवार में जो छेद हो जाती है, जो काफ़ी भद्दी लगती है, उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। आज मेरे घर के नीचे कुछ काम चल रहा है, तो ये भैया ने कुछ पुट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स किया है, तो मैं ये पेस्ट लूँगी। मेरे बड़े काम की चीज़ है ये, और इसी से मैं फ़िक्स करूँगी आज का जो कील वाला वीडियो है, जो छेद हो जाते हैं दीवारों में। तो दोस्तों चलिए सीधे मेरे कमरे में। टन टन, ये रहा दीवार जो काफ़ी भद्दा लग रहा है। 4, 5, 6, 7 छेद हो रखे हैं। जो पहले रह रहे होंगे, उन्होंने टीवी यूनिट लगाई थी यहाँ पे, तो ये छेद रह गए हैं और बहुत ही बकवास लग रहे हैं दोस्तों। तो मैं इसको फिक्स करूँगी, जो अभी मैंने भैया से पुट्टी ली है उसी के हेल्प से। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, पुट्टी या प्राइमर, जो भी वॉल का होता है, इस तरीके का पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से अपने हाथों की मदद से आप इस तरीके से अंदर इसको ठूस ठूस के भरिए, और जब ये सूख जाएगा तो कड़क हो जाएगा, और फिर आप उसको पेंट कर लेंगे तो दीवार बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि कभी ऐसा भी दिख रहा था दीवार हमारा। तो बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप पुट्टी लें इस तरीके से अंदर घुसाते हुए उसको आप भर दें, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा दोस्तों। और ज्यादा कुछ टूल की जरूरत नहीं है, आप उंगलियों की मदद से कर सकते हैं, या फिर आप रूलर ले लें, स्केल ले लें, आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं इसको। तो पहले मैं तो उंगलियों से ही करूँगी, बाद में इसको फिक्स करूँगी रूलर की मदद से। तो कुछ इस तरीके का आप ऊपर ऊपर से घुसाएं उसके अंदर, कोशिश करें कि छेद पूरा ही भर जाए, तो वो परमानेंट हो जाएगा और बहुत ब्लेंड हो जाएगा दीवार में, तो पता नहीं चलेगा कि वहाँ कभी छेद भी हुआ करता था। तो ये रहा, मैं अब रूलर की मदद से इसको प्लेन करूँगी, ताकि ये उबड़ खाबड़ ना लगे। इस तरीके से खींचते हुए करूँगी ताकि वो प्लेन हो जाए, और एक्स्ट्रा वाला मैं निकाल लूँगी बाद में। इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा आप निकाल लें इस तरीके से। बहुत ही आसान है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, 10 से 15 मिनट बस। ये ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ हो गया, तो मैं एक्स्ट्रा निकाल ले रही हूँ इसका। अच्छे से बारीकी से टाइम देकर आप इसको करें, ताकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम है, क्योंकि फिर उसके बाद तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा। तो फिर इसको सही तरीके से करें, ताकि फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। यू नो, ये होती छोटी छोटी चीज़ें, बट करने के लिए ना सोचना पड़ता है कि हाँ आज कर लूँ कल कर लूँ। मैं तो बहुत आलसी हूँ इस मामले में। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं लूँगी एक टिश्यू पेपर, टन टन, इसकी मदद से जो एक्स्ट्रा लग गया ना उसके चारों तरफ, छेद के चारों तरफ, मैं उसको पोंछ के हटाऊँगी। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर ये अगर सूख जाएगा ना तो ये हटेगा नहीं। तो आप इसको साफ तभी करें जब ये गीला हो ऑलरेडी। तो एक्स्ट्रा जो रह गया ना, आप उसको साइड से हटा लें। आप टिश्यू की मदद से हटा सकते हैं, या कोई साफ़ कपड़ा हो आपके पास तो उससे हटा सकते हैं। गंदा कपड़ा ना लें, क्योंकि फिर दीवार पे दाग लग जाएंगे गंदगी के, फिर वो अलग टेंशन है, फिर उसको फिक्स करने के लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अब हम आते हैं कलर पे। दोस्तों कलर तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि ये घर मेरा नहीं, मैं किराए पे रहती हूँ, तो फिर मेरे पास पिछले साल के बचे नहीं है। तो फिर मैं वाटर कलर को मिक्स करके कुछ दीवार से मिलता जुलता कलर बनाऊंगी, और फिर मैं उससे पेंट करूंगी। तो अगर आपको पता नहीं कि कौन सा कलर किस में मिलाने से कौन सा कलर बनेगा, तो आप टेंशन ना लें। यूट्यूब पे सैकड़ों ऐसे वीडियो पड़े होते हैं जिसमें बताते हैं कौन कौन सा कलर मिक्स करें। तो मैं रेड लूँगी और वाइट लूँगी, और इसको मिक्स करके कुछ इस तरीके का दीवार का कलर मिल जाएगा। और मैं इसको ब्रश की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप कोई सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम पेंटर नहीं हैं, हम कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और दीवार के पास आते हैं और हम इसको पेंट करना शुरू करते हैं। और आसानी से ये हो जाएगा, सिंपल सा है।
और ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि वाटर कलर इसमें भी पानी मिक्स है तो ये गीला है इसलिए ऐसा दिख रहा है। सूखने के बाद वो बिल्कुल ही ब्लेंड हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। पेंट करने के बाद कुछ उंगलियों की मदद से आप ऐसे ऐसे करके इसको ब्लेंड कर दें ताकि थोड़ा सा स्मूथ लुक आए, जैसे हम मेकअप करते टाइम करते हैं ना ब्लेंडिंग, बिल्कुल उसी तरीके से। आसान है दोस्तों। और अगर आपके पास कोई ब्रश व्रश नहीं ना तो आप कॉटन की मदद से भी कर सकते हैं। कॉटन का बॉल बनाएं और पेंट में डुबाएं और मिक्स कर लें और फिर उसी को अप्लाई करें, फिर उंगली से इस तरीके से ब्लेंड कर दें ताकि दीवार में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये सूखने के बाद ना बिल्कुल दीवार के कलर का हो जाएगा, तो फिर टेंशन की बात नहीं है। और ये सूख भी जाएगा 10-15 मिनट में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि पुट्टी तो बहुत जल्दी सूखता है, थोड़ा सा रहेगा तो सूख जाएगा बहुत जल्दी, और ये वाटर भी सूख ही जाता है जल्दी, तो ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। बस लगता है हो गया, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा। हम सूखने का वेट करते हैं। टन टन, ये सूख चुका है और कुछ ये ऐसा दिख रहा है जो पहले से बहुत ही बेहतर है। थैंक यू सो मच गाइज़।